Very good morning. So we'll be just seeing कि ये biological sciences होती क्या हैं और इनसे अगर पढ़ा जाए इसको और जाना जाए इससे हम लोगों को क्या फायदा है. तो बेसिकली है क्या बायोलॉजिकल साइंसेस, किसके बारे में है ये, और जो हमारे चारों तरफ सभी तरह के जीव जंतु हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई, एल्गी, मेरे ख्याल से इन सब के नाम आपने सुने होंगे, चाहे छोटे पौधे हो, चाहे बहुत बड़े पेड़ हों, चाहे हम लोग हों, इंसान, गाय, भैंस, सब इन सबको मिलाकर बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर आते हैं. और इनकी इनके बारे में जो पढ़ा जाता है वो सब क्यों इम्पोर्टेंट है, बेसिकली इसलिए एक तो हमें ये पता चलता है कि ये जो अनोखी प्रक्रिया प्रकृति ने बनाई है ये मतलब आफ्टर ऑल फंक्शन कैसे करता है. और दूसरी बात ये है कि इसको जानने के बाद हम इंसान को क्या फायदा कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स बेनिफिट फ्रॉम दिस. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जरूरी बात यह है और जरूरी चाहत और जरूरत यह है इंसानों की कि फूड एंड फीड. फूड का मतलब जो हम रोजमर्रा खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, टेबल्स हैं, सब कुछ है, इन सब की उत्पादकता कहाँ से है, पेड़ पौधों से और जानवरों से है. उन जानवरों को पालने के लिए हमें फीड चाहिए, उस फीड वो फीड से कहाँ से मिलता है, वो भी पेड़ पौधों से मिलता है. तो एक तो वो हो गया फूड एंड फीड. एंड देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत जरूरी बात है वो है हेल्थ. आप लोगों को मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अबाउट 50-100 साल पहले एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंसान की 36 से 40 साल होती थी. आज के डेट में वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 से 70 ईयर्स हो गई है. ये क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट हैव बीन मेड इन बायोलॉजिकल साइंसेज. कि नए तरह के ड्रग्स, वैक्सीन डेवलप किए गए हैं क्योंकि हम इन बायोलॉजिकल साइंसेज में काफी अच्छे से काफी कुछ जान गए हैं, हालांकि बहुत कुछ अभी जानने के लिए बाकी है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट देन है बायोलॉजिकल साइंसेज की हमारे लिए, फूड, फीड, हेल्थ. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम मतलब आप ज्यादातर देखते होंगे, लोग इंपॉर्टेंट मेन शहरों से हट के दूर दूर गांव में के आसपास बसना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वहां का एनवायरमेंट प्रदूषण से फ्री है, दूषित नहीं होता है और पोल्यूशन फ्री है. कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री होने के कारण हम लोग दूर बसना चाहते हैं. दयालवा का क्षेत्र क्यों बहुत पसंद करते हैं लोग, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री है बहुत हद तक. ये इसमें भी जो है बायोलॉजिकल साइंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट देन है. आप जानते हैं कि एक तो पेड़ वगैरह लगाने से पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है और घास वगैरह लगाने से मिट्टी का एरोशन बारिश के कारण या किसी कारण एरोशन कम हो जाता है. सो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धियां जो हैं बायोलॉजिकल साइंसेस को जानने और पढ़ने से होता है. फूड एंड फीड, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल फ्री, गुड हेल्दी एनवायरमेंट. सो इसीलिए इनफैक्ट बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है. प्रकृति की हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देन है. हम लोग तो हैं ही, जो है हमारी जिंदगी है जो प्रकृति की देन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन हम लोगों को सस्टेन करने के लिए मतलब ताकि हम इस पृथ्वी पर रह सकें, इसके लिए प्रकृति ने एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस, एक फिनोमिनन डेवलप किया है, वो है फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में आप लोग मेरे ख्याल से सुना ही होगा. फोटोसिंथेसिस जिसमें हरे पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो जो है सूरज की रोशनी कैच करके हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड और धरती में जो पानी है, इन तीनों की प्रक्रिया से वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. वो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों के लिए फूड बनता है. जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उतने अच्छे बीज होंगे. जो हम खाते हैं बीज ही खाते हैं, सीरियल्स हों, गेहूं, चावल, मक्का बीज हैं, दालें सब बीज हैं. तो जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा पौधा उतना अच्छा बीज बनेगा और उतना अच्छा खाना मिलेगा. हम इसको कई तरीके से
प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स वगैरह इनके जो है और भी कृत्रिम तरीकों से इनको और अच्छा बना सकते हैं. सो दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द वंडर्स ऑफ नेचर, फोटोसिंथेसिस. एंड प्लांट्स जो हैं नेचर के सबसे बड़े और बहुत ही एफिशिएंट केमिस्ट हैं. इससे बढ़कर इनफैक्ट दी होल फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी 36%. कोई भी ह्यूमन मेड इंस्ट्रूमेंट, मशीन या इंडस्ट्री नहीं है जो इतना एफिशिएंट हो. सो इवन रेस्पिरेशन, जो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम खाते हैं उसको फिर बॉडी तोड़ता है और उसमें से एनर्जी निकलती है. वो एनर्जी ATP कहलाती है, वो स्टोर होती है हमारे में और वो आगे यूज होती है. एंड दैट इज ऑल्सो ए हाईली एफिशियंट प्रोसेस. इट्स ऑलमोस्ट 30% एफिशियंट. सो इतने एफिशियंट प्रोसेस नेचर ने बनाए हैं. अब जो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं या प्लांट बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट से ही फिर एमिनो एसिड्स बनती हैं, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो है फैट्स बनती हैं और न्यूक्लिक एसिड बनते हैं. न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो गया DNA, RNA. तो एक ही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उससे इतने सारे उपलब्धियां हैं. सो अगर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ा दिया जाए, जो कि काफी सारा रिसर्च हो रहा है, क्योंकि आगे जाकर अभी जो आबादी है ये तो डबल हो जाएगी, 2050 तक डबल हो जाएगी. फिर उस वक्त खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा, फूड का प्रॉब्लम हो जाएगा, और जमीन जितना है उतना ही रह जाएगा, और भी कम हो जाएगा क्योंकि जो आबादी है उनको बसने के लिए जगह भी चाहिए. तीसरी बात यह है कि जैसे अभी ही ऑलरेडी गांव वगैरह में लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं, तो और भी कम हो जाएंगे लोग. तो इन सब को नजरिया रखते हुए फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ाने की बहुत जोर शोर से रिसर्च हो रही है और काफी हद तक कामयाबी मिली है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेन है जो जिसके ऊपर इनफैक्ट आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन रिवोल्यूशन 1950s के आसपास इंडिया में भी और बाकी ब्राजील, मेक्सिको वगैरह कंट्रीज में ऑलमोस्ट एक लेवल ऐसा आ गया था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत लो हो गया था. उस वक्त एक जीन का आइडेंटिफाई किया गया, नॉरिन जीन, नॉर्मन बोरलॉग ने जिनको नोबेल प्राइज मिला था. उस नॉरिन जीन के कारण जो आजकल वीट, गेहूं देखते हैं आप, वो ड्वार्फ रह जाता है. ड्वार्फ मतलब छोटा हाइट रह जाता है. पहले बड़े बड़ा हाइट होता था जिसके कारण हवा या पानी के कारण गिर जाता था और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी. जितना लंबा होगा एनर्जी उसके पौधे की लंबाई में चला जाता है, खाना बनाने में, सीड बनाने में कम रहता है. इसलिए जो है वो नॉरिन जीन ने पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया. और जो हमने सुनते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में भी आया है, इनफैक्ट उसने पूरा मतलब इतिहास ही बदल दिया है. जहां पर हम फेमेन में चले ही जाते बट उभर के बाहर आ गए उस जीन, एक सिंगल जीन के कारण. और बिल्कुल रिवोल्यूशन हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन. और यहाँ पर आप कभी हाईवे पे जाइए तो बोरे के बोरे वीट के वगैरह रखे होते हैं. ये सब उपलब्धियां हैं. अब हम एक प्लेटू पे आ गए हैं जिसके कारण दोबारा जो है रिसर्च बहुत तेजी से चल रहा है. और अब जो आया जमाना है बायोटेक्नोलॉजी का. 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में और 20वीं सदी के पूरा 20वीं सदी में जितने खोज आविष्कार हुए हैं उन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आविष्कार हुए हैं, उन सब का अब फायदा 21वीं सदी में हम लोगों को मिलेगा थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. एक बहुत इम्पोर्टेंट और जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ. हालांकि पेड़ पौधे, एल्गी, फंजाई वगैरह और हम बाकी जानवर देखने में बहुत अलग हैं, लेकिन इनकी बेसिक जो प्रक्रिया है, जो अंडरलाइनिंग फिनोमिनोलॉजी है, जिस हिसाब से ये बने हैं, फॉर एग्जांपल इनका बायोकेमिस्ट्री है, मतलब फोटोसिंथेसिस छोड़कर जो कि सिर्फ क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो एनर्जी लेने की का तरीका है, जीन्स, कई सारे जीन्स सब में कॉमन है, जेनेटिक कोड सब में कॉमन है, DNA सब में कॉमन है, RNA सब में कॉमन है, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म सब में कॉमन है. तो एक ब्लूप्रिंट के ऊपर ही प्रकृति ने इतने सारे तरीके के जीव बना दिए हैं, अलग अलग लेवल के, अलग अलग कैपेसिटीज के, और इन सबको एक सिस्टम में बांधा है जो कि कहलाता है इकोसिस्टम. और एक दूसरे के ऊपर इसी इकोसिस्टम में वो बहुत डिपेंडेंट है. और सबसे बड़ा आविष्कार इनफैक्ट शुरुआत में पढ़ने के लिए, कौतूहलिक पढ़ाई के लिए हुआ है माइक्रोस्कोप का. आप लोगों ने एंटनी ल्यूमेनहॉफ का नाम सुना होगा जिन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था.
through this he was able to study cells. एंड स्लोली स्लोली हमें एनाटमी के बारे में पता चला, सेल के डिटेल के बारे में पता चला. आज के डेट में वो जो है वी हैव फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप. 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पता चला है, उनका आविष्कार हुआ है, जिसमें एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक किसी भी सेल के सरफेस का क्या क्या है, सरफेस पे क्या क्या चीजें हैं, ये सब जान सकते हैं. इसके कारण ही जो है कैंसर रिसर्च में बहुत बढ़ोतरी मिली है. एंड देन देयर इज अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके कारण सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में पता चलता है. एंड द थर्ड इज अब जो है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप भी आ गया, जो लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड है. लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड होने के कारण कोई भी टिश्यू या सेल को पहले तो हम सेक्शन काटते थे, अब उस लेजर टेक्नोलॉजी के कारण बिना काटे एट ए किसी भी डेप्थ पे हम लेजर को फोकस करके उसका सेक्शन ले सकते हैं और पूरा का पूरा विजुलाइज कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर कि ये वहां पर है क्या. बिना उस जीव को या उस टिश्यू को मारे हम इस तरह से उसमें रिसर्च कर सकते हैं. सो जैसे जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और जैसे जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, नए नए बायोकेमिकल और नए नए बायोफिजिकल और नए नए इंस्ट्रूमेंटेशन की उपलब्धियां होती रहीं और बायोलॉजिकल साइंसेज ने इससे बहुत फायदा उठाया और बहुत तरक्की हुई है. फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड ऑल. तो जब हम मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करते हैं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिकल साइंसेज और कंट्रीब्यूशन फॉर फिजिक्स इज एक्सरे डिफ्रैक्शन. एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे ही बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें. डीएनए का स्ट्रक्चर जो है के बारे में पता चला है. इनफैक्ट सबसे ज्यादा नाम आप लोगों ने सुना होगा वैटसन एंड क्रिक का, जिन्होंने 1953 में पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर की ये डबल हेलिक्स है कहकर पता किया है और जिसके कारण 1963 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर डिसाइफर हो गया कि ये डबल हेलिक्स है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में पता चल गया, उसके न्यूक्लियोटाइड क्या है पता चल गया और उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट आप लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कई सारे कैंचियां एंडोन्यूक्लियेजेस कहते हैं, मॉलिकुलर सीजर्स कहते हैं जिसको, या एंड मॉलिकुलर ग्लूज कहते हैं, दूसरे तरह के लाइगेसेस एंजाइम्स होती हैं जिनका आविष्कार हुआ, जिनके बारे में पता चला और जिस कारण हम कहीं से भी कोई भी जीन काट सकते हैं और कहीं और चिपका सकते हैं. हम नए तरह की प्रक्रिया या नए तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन, नए तरह का मॉलिकुलर ब्रीडिंग हम करते हैं. इनसे इनफैक्ट कई सारे नए तरीके के पौधे, जानवर वगैरह बनाए गए हैं और जिससे इंसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है. इनफैक्ट एक काफी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे 1980 में, लेरॉय हूड कहके. ही वॉज एट कालटेक इंस्टीट्यूट. कालटेक इंस्टीट्यूट में ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे और काम करते थे. इन्होंने बहुत सारे ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉज एबल टू मेक डीएनए सीक्वेंसर. डीएनए सीक्वेंसर वो होता है जो कि डीएनए में, जैसे आप जानते हैं एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं एंड दीज एक पर्टिकुलर तरीके में लगे होते हैं एंड सीक्वेंस में लगे होते हैं. अगर हमें उस सीक्वेंस का पता चल जाता है तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट जीन, पर्टिकुलर जीन, एंड वी कैन नो द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन. सो डीएनए सीक्वेंसर उन्होंने बनाया है और उसके बाद एक डीएनए सिंथेसाइजर. सो अगर हमें डीएनए के बारे में, सीक्वेंस के बारे में पता है, देन वी कैन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जीन, दैट पर्टिकुलर जीन. एंड देन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स एमिनो एसिड से बने होते हैं. वो एमिनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हैं वो अगर हमें पता चल जाए तो नए तरीके के प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं. तो प्रोटीन सीक्वेंसर भी उन्होंने बनाया ऑटोमेटेड. मीन्स इंसान बस एक बटन दबाएगा और उसमें वो डीएनए, प्रोटीन वगैरह जो भी, जिसका भी सीक्वेंस करना है वो ऐड कर दो आप और वो अपने आप ही बता देगा कि इसमें ये सीक्वेंस है प्रोटीन का, ये सीक्वेंस डीएनए का है. तो ये है ऑटोमेटेड. और इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं ऑटोमेटेड प्रोटीन सिंथेसिस. इनफैक्ट इन आविष्कारों के कारण ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस
में बहुत बढ़ोतरी मिली है. इनफैक्ट 2010 तक ही सोच रहे थे कि डीएनए ह्यूमन जीनोम का डीएनए सीक्वेंसिंग होगा, लेकिन 2003 में ये कंप्लीट हो गया बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटेड अप्लायंसेस. एंड ये प्रोफेसर निगार हुड ने फिर अपना ही एक कंपनी खोल दिया अप्लाइड बायोसिस्टम्स करके, एंड दैट इज द मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट फेमस ऑफ दिस ऑटोमेटेड सिस्टम्स. सो इसी तरह से ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट ही, ह्यूमन जीनोम का मतलब हमारे सेल के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर जो डीएनए है पूरा का पूरा सीक्वेंस हमें मालूम है आज के डेट में. इसी तरह से कई सारे प्लांट्स, इंपॉर्टेंट प्लांट्स जैसे राइस है, सोयाबीन है, पेड़ हैं जैसे पॉपुलर पेड़ है, रबलॉप्सिस है, इन सब का सीक्वेंस हमें मालूम हो गया है. सो ये जो टूल्स अब बनी है जैसे सीक्वेंसर वगैरह जो अभी मैंने बताया और जीन आइडेंटिफिकेशन के टूल्स अभी हमें उपलब्ध हैं, इन सब का उपयोग करके ही बायोटेक्नोलॉजी बनता है. जो मैंने पहले भी बताया कि एक जीन कहीं से भी निकाल के अब हम किसी भी पौधे या एनिमल में डाल सकते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बायोटेक्नोलॉजी है. और इस बायोटेक्नोलॉजी से ही इस 21वीं सदी में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा उसका फायदा होने वाला है. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल्स थेरेपी है, वैक्सीन डेवलपमेंट है, ड्रग डेवलपमेंट है, एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट है. ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ पॉइंट. एंड प्लांट्स में भी जो है बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे नए तरीके के पौधे बनाए जाते हैं, जिसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट हाइब्रिड एम्ब्रियो कल्चर होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वायरस एलिमिनेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी कंजर्वेशन. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थोड़ा थोड़ा करके आगे. एंड फाइनली जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो मैंने बताया कि वेयर वी कैन ट्रांसफर जीन्स फ्रॉम वन एनी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एनी अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द ह्यूमंस विल बी बेनिफिटिंग. सो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेट अस सी कि क्या है मतलब है, लेट अस सी हाउ दिस बायोलॉजिकल साइंसेज हैव प्रोग्रेस्ड. सो बायोलॉजिकल साइंसेज जैसे मैंने पहले ही बताया, इट इंक्लूड्स माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, सिल्वीकल्चर का मतलब बेसिकली फॉरेस्ट्री ए में आता है, एंड मेडिकल साइंसेज. इट्स अ वेरी बिग बूम इन मेडिकल साइंसेज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. देन वेटरनरी साइंसेज विच इंक्लूड्स एनिमल्स के बारे में, उनको जो बीमारियां वगैरह होती हैं उनको कैसे ठीक किया जाए. एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जहां पर हमारे फसलों वगैरह के बारे में होता है. देन एनवायरमेंटल साइंसेज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. फाइनली बायोटेक्नोलॉजी. सो जस्ट एक क्यूरियोसिटी फॉर यू पीपल, दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लांट्स. सबसे छोटा पौधा है वोल्फिया. सो यू कैन सी आपने बहुत बड़े बड़े पौधे तो देखे हैं. वोल्फिया सिर्फ 0.6 मिलीमीटर्स होता है, 0.6 मिलीमीटर्स. इतना छोटा होता है कि पूरा जो है देखने के लिए क्या है अंदर माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, आप पूरा उसको देख भी नहीं पाते. एक उंगली पे देखिए हजारों की तादाद पे पौधे जो हैं उसमें आ गए हैं. दिस इज वेल्वेशिया. ये एक जिम्नोस्पर्म है, सबसे बड़ा पौधा है ये, और इसमें सिर्फ दो पत्ते हैं. वही दो पत्ते इस तरह घुंघराले घुंघराले बन जाते हैं और पूरा का पूरा जिंदगी कई कई साल जिंदा रहता है, कई साल. वेल्वेशिया है ये. ये भी एक पौधा है लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं है. खाना कैसे बनाता है? ये जो नीचे जमीन के अंदर जो सड़ी गली चीजें होती हैं उसके ऊपर उगता है और उनसे अपना खाना बनाता है. सैप्रोफाइटिक कहलाता है. इसलिए इसका नाम है मोनोट्रोपा. ये देखिए सबसे बड़ा इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस वो होता है जिसमें कई सारे फूल होते हैं, वो एक इन्फ्लोरेसेंस होता है. आपने डॉग फ्लावर देखा होगा, है ना? वो भी कई सारे फूल होते हैं, उसमें छोटा होता है, वो भी इन्फ्लोरेसेंस है. ये एक इन्फ्लोरेसेंस है. ऑलमोस्ट 10 फुट लंबा है ये. 10 फुट. एमोर्फोफेलस इसका नाम है. एमोर्फोफेलस
ये सबसे बड़ा फूल है दुनिया में, इस धरती पे इससे बड़ा फूल नहीं है। ऑलमोस्ट 15 किलो वजन है इस फूल का। एंड दिस इज रफ्लेशिया, रफ्लेशिया दिस इज एंड 1 मीटर चौड़ा है, बिल्कुल 1 मीटर, आपके दोनों हाथ पहुंचेंगे भी नहीं, ना ही आप इसको उठा पाएंगे। ये सबसे बड़ा फ्रूट है, दिस इज नोन एज डबल कोकोनट, दिस इज बिगेस्ट फ्रूट, ऑलमोस्ट 22 किलो का है ये वजन। और इसको एक पूरे हथौड़े से तोड़ा जाता है और इसके अंदर जो गिरी होती है इट्स वेरी टेस्टी। ओके, विद दैट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, लेट अस कम डाउन क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं। 1868 में फ्रेडरिक मेशर ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी की, और उसके बाद 1870 में ग्रेगर मेंडल, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताया है। उसके बाद 1944 में ऑस्वाल्ड एवरी ने यह बताया है कि एक बैक्टीरिया जो है अपना जो है सरफेस स्ट्रक्चर का वगैरह जो पहचान है, इवन उसको बॉइल करके हम सोचते हैं मार दिया है, तब भी दूसरे बैक्टीरिया में वो ट्रांसफर कर सकता है। तो ये इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट अंडरलाइन प्रिंसिपल्स है ये बताने के लिए कि कुछ जेनेटिक मटीरियल जैसे कोई चीज होता है। उसके बाद 1953 में जो मैंने आपको बताया है वाटसन एंड क्रिक का, जिन्होंने डबल हेलिक्स के बारे में बताया है कि डीएनए होता है, तब तक एस्टैब्लिश हो गया था, एंड यही न्यूक्लियर मटीरियल है, यही इनहेरिटेंस होता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, क्योंकि ये एस्टैब्लिश हो गया था। और डबल हेलिक्स उसका स्ट्रक्चर क्या है ये वाटसन एंड क्रिक ने पता किया कि ये डबल हेलिक्स होता है, विच इज ए साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन का पता चला है, फिर उसके बाद डीएनए मैनिपुलेशन कैसे होता है वो हमें पता चला है। डीएनए मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं क्योंकि हमें, जैसे वो लिखा है, मॉलिकुलर सीजर्स एंड मॉलिकुलर ग्लूज, मॉलिकुलर सीजर्स हो गए एंडोन्यूक्लियस और ग्लूज हो गए लाइगेसेस कहते हैं एंजाइम्स। इनसे जो एंडोन्यूक्लियस से कहीं पर भी बहुत सारे तरीके के हैं जो इनफैक्ट बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह यूज करती हैं ऑलरेडी, उनसे हम कहीं पर भी डीएनए को काट सकते हैं और लाइगेसेस से उसको उठाकर कहीं और भी हम चिपका सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव, हमारे सेल्स के अंदर ये हैं क्रोमोसोम्स, इस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सब जो है क्रोमोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमोसोम्स हैं। आप देखें हर क्रोमोसोम का साइज अलग अलग है, इसमें जो है, सो व्हाट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी इज द डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एंड डीएनए ब्लूप्रिंट है, उससे बनता है एक आरएनए जिसको कहते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर से बाहर आता है और वहां पर एक राइबोसोम्स के चेन में वो चिपक जाता है और उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो ये सेंट्रल डॉगमा कहलाता है। तो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये तीनों के तीनों एक ही साइकिल में बंधे हुए हैं और इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। सो एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट वाटसन एंड क्रिक शेयर द नोबेल प्राइज विद मॉरिस विल्किंस इन 1962। देन द एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, इसी के बेसिस पे नॉट ओनली डीएनए का बट प्रोटीन स्ट्रक्चर, इनफैक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए भी एक्सरे डिफ्रैक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इनफैक्ट होल ऑफ दीज आइडियाज, होल ऑफ दीज टूल्स ओपन द गेट फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन, मॉलिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड एवरीथिंग। सो दैट इज वैक्सन एंड दिस इज क्रिक एंड दिस इज द मॉडल दे प्रिपेयर्ड फॉर विच दे वॉन्ट द नोबेल प्राइज। एंड ये डीएनए का मॉडल है जो उन्होंने बताया, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल कहलाता है एंड दिस इज रिबन मॉडल कहलाता है ये, एंड दीज आर द बेसिस, न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो चार होती हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन हर होगा थायमिन के साथ और ग्वानिन हर होगा साइटोसिन के साथ, और इसका बैकबोन बनता है ये जो नीली पट्टी देख रहे हैं वो शुगर का होता है, डी ऑक्सीराइबोज शुगर, इसीलिए इसका नाम डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये डीऑक्सीराइबोज है और दो शुगर जो हैं एक फॉस्फेट बॉन्ड से, फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
और ये पूरा का पूरा डीएनए जो है इस क्रोमोसोम में समा जाता है। इनफैक्ट एक ह्यूमन बीइंग में इतना डीएनए होता है मटेरियल कि पृथ्वी के पूरा गोल में 10 बार घूम सकता है वो, इतना सारा डीएनए जो एक ह्यूमन बीइंग में होता है, जो कि बिल्कुल कंप्रेस करके क्रोमोसोम्स में रखा जाता है क्रोमेटिन के तौर पे, वो एक अपने में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। एंड दीज आर दी एज आई टोल्ड यू क्रोमोसोम्स, यू कैन सी दिस इज नोन एज दी कैरियोटाइपिंग ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स, जहां पर एक ही साइज के क्रोमोसोम्स इकट्ठे किए गए हैं। और आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स जो है फीमेल को डिफाइन करती हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो है मेल को डिफाइन करती हैं। सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू दैट थायमिन जॉइंट्स विद एंड ग्वानिन विद साइटोसिन, एंड दिस इज द वे दे आर अरेंज्ड। दिस इज द ये शुगर हैं, और ये वाइट जो सर्कल्स देख रहे हैं ये फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं। सो क्योंकि एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, दोनों के जो है बराबर होते हैं। एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। बैक्टीरिया में जो है एडेनिन थायमिन का रेशियो ज्यादा होता है, और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं आपने सुना होगा यूकैरियोट्स, जिसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है, इसमें ग्वानिन और साइटोसिन का क्वांटिटी ज्यादा होता है। दिस इज इट्स ए क्यूरियो स्लाइड। दिस आर ऑल What are these? Pumpkins. These are all pumpkins. They are this is actually a Japanese farm where they have grown all these pumpkin creepers on a tree and allowed the pumpkins to hang to give a beautiful show item type. And this is also a curiosity. Watermelons, देखे होंगे आपने, खाते भी होंगे, लेकिन उनको संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि लुढ़कते रहते हैं। तो क्या किया लोगों ने, दे हैव पुट देम इन ग्लास केजेस। उससे क्या है, यू गेट स्क्वायर पंपकिन्स, तो ये अब लुढ़कते नहीं है, आराम से जहां चाहिए जा सकते हैं, एंड देन यू कैन कट देम एंड ईट देम एज हैप्पीली। द रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो मैं बता रहा था कि प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि प्लांट्स के या एनिमल्स के बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो प्लांट टिश्यू कल्चर है, जिसको हम एक लैमिनर फ्लो में करते हैं लैब, क्योंकि इसके लिए एसेप्टिक जगह चाहिए, मतलब जहां पर बैक्टीरिया वगैरह का कोई किसी तरह का कंटेमिनेशन ना हो, इसके लिए लैमिनर फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर जो है एक स्पेशल टाइप के फिल्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं हीपा फिल्टर्स, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट फिल्टर्स, जो 0.3 माइक्रोन बड़े होल्स होते हैं, छोटे कह सकते हैं आप, 0.3 माइक्रोन छोटे, एक बहुत नन्हे नन्हे बहुत ही माइन्यूट होल्स, इन होल्स के थ्रू सिर्फ हवा ही निकल सकता है, ना बैक्टीरिया ना फंगल स्पोर्स ना डस्ट, सब का सब नीचे ही रह जाता है, तो बिल्कुल साफ सुथरी हवा आती है, और यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री रहता है। आप देख रहे हैं ये इस तरह के मास्क वगैरह पहन के करते हैं ताकि उनके बॉडी से भी कंटामिनेशन जो है आगे ना बढ़े। तो जब भी हम एनी टिश्यू कल्चर एस्पेक्ट होता है तो देन दी प्लांट्स को जो है आर्टिफिशियल मीडियम में और आर्टिफिशियल कंडीशंस में उगाया जाता है, उसके लिए उनके खाने का इंतजाम करना पड़ता है। उनके खाने में ये सॉल्ट होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक और कई सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह भी होती हैं, इन सब से उनका जो है खाने की सामग्री होती है। सो इस टिश्यू कल्चर में जब हम पौधा लगाते हैं तब डिपेंडिंग किस तरह का हम ग्रोथ रेगुलेटर यूज करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो कि बहुत ही कम मात्रा में वो डिफाइन कराता है कि वो प्लांट कैसे काम करता है। तो या तो हम जड़ बना सकते हैं, या हम शूट बना सकते हैं, या सिर्फ कैलस मीन्स अनऑर्गेनाइज मास, एक कैंसर टाइप का टिश्यू होता है वो बना सकते हैं हम। या जैसे आपने बीज देखे होंगे, बीज देखे हैं उसके अंदर आपने जब जैसे चना वगैरह भिगोने के बाद आप तोड़ते हैं तो अंदर एक छोटा सा व्हाइट सा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो नॉर्मली जो है नेचर में सीड के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन हम जो है टिश्यू कल्चर के थ्रू
किसी भी पार्ट से कभी भी इस तरह के एम्ब्रियोज बना सकते हैं। ये जो है मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स वो होती हैं जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसाइज करती हैं, और उनको जो है अलग करके हम उनको एम्ब्रियोज पर्टिकुलर मीडियम में उगाते हैं और उसको जो है ग्रोथ रेगुलेटर्स में डालकर जो है अल्टीमेटली हम उसको एम्ब्रियोज बनाने में मजबूर करते हैं। एक्चुअली इनका क्या फायदा है, ये मैंगो के हैं एम्ब्रियोज, ये एम्ब्रियोज से ही बना एक पौधा है जिसके तने में से अपने आप बहुत सारे एम्ब्रियोज निकल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ए वेरी पेक्यूलरिटी इन टिश्यू कल्चर्स। फायदा क्या है, तो इन एम्ब्रियोज को हम बायोरिएक्टर्स में मास स्केल में, मतलब एक बीज से एक तरह के पौधे से हम लाखों एक ही जैसे पौधे बना सकते हैं। उससे क्या फायदा है, एक पर्टिकुलर पौधा है जो कि बहुत हाई यील्डिंग है, बहुत सारा यील्ड देता है, बहुत ज्यादा से अनाज देता है, या ये फॉर एग्जांपल कॉफी के पौधे हैं, ये तो कॉफी भी बीजों से बनता है, तो बहुत सारे अच्छे बीज देता है ये पर्टिकुलर पौधा। तो हम उसको एम्ब्रियो, उसके आर्टिफिशियल एम्ब्रियो बना सकते हैं जिसको हम सोमैटिक एम्ब्रियोज कहते हैं। ओके, उन सोमैटिक एम्ब्रियोज को इस तरह से जो है मास मल्टीप्लीकेशन करते हैं इन बायो रिएक्टर में, और इनको बाहर ले जाके फील्ड में लगा सकते हैं हम। तो एक ही तरह के पौधे होंगे, एक ही तरह का उनका उपज होगा और यील्ड अपने आप ही हाई हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। या हम माइक्रो प्रोपगेशन, एक और टेक्निक है, एक तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया जहां एम्ब्रियोज बनते हैं, ये माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है, जिसमें आप किसी भी तरह का शूट टिप या लीफ लेकर उससे बहुत सारे नए पौधे बना सकते हैं उसी तरह के, जिससे क्लोनल प्रोपगेशन कहते हैं, क्लोन्स बनती हैं। जैसे यहां से देखिए एक ही शूट से इतने सारे शूट्स बन रहे हैं। ये कहां यूज होता है, बनाना एक एग्जांपल है, हैं तो बहुत सारे, अभी दिखाते हैं तीन चार आपको। एक ही पर्टिकुलर बनाना का एक शूट टिप से जो है इतने सारे पौधे बन जाते हैं। ये सब बिल्कुल यूनिफॉर्म है। मोस्ट ऑफ द बनाना विच इज ग्रोन डाउन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आज के डेट में सभी के साथ जो है टिश्यू कल्चर के थ्रू ही आते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो यूनिफॉर्मिटी है, यील्ड हाई है, सभी डिजीज फ्री होती हैं, क्योंकि ये सब पहले ही मैंने बताया, ये जैसे मीडियम है इसमें अगर थोड़ा भी डिजीज आ जाए तो ये उग नहीं पाएंगे और जो है सब इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए सब मोस्टली डिजीज फ्री रहती हैं। या आप आलू को भी कर सकते हैं, आलू की खेती कर सकते हैं, छोटे से कंटेनर में आप बहुत सारे छोटे छोटे आलू बना सकते हैं। ये इसके शूट्स हैं, ये देखिए आप, बिल्कुल दीज आर नोन एज माइक्रो ट्यूबर्स, दीज आर ऑल्सो कम्प्लीटली डिजीज फ्री दीज माइक्रो ट्यूबर्स। इन माइक्रो ट्यूबर्स को आप जो है फिर पुट देम इन स्टराइल सॉइल एंड देन अलाउ देम टू ग्रो एंड यू गेट मिनी ट्यूबर्स। इन मिनी ट्यूबर्स से यू कैन डू डायरेक्ट फील्ड वर्क, पूरा आलू की खेती कर सकते हैं। ऑल दैट पोटैटोज विल बी कंप्लीटली डिजीज फ्री एंड वेरी हाई यील्डिंग। या आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ग्लैडियोलस के बारे में सुना होगा, जो बड़े बड़े स्टिक्स हैं जो आप बोके वगैरह में देखे होंगे आपने, एक ही स्टिक में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं, बोके में शादियों वगैरह में दिया जाते हैं, उनको आपने देखा होगा, उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये एक एक्सिलरी बड है, एक बड से इतने सारे बड बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट लिटरली एंड इन एक्चुअल सेंस एक बड से एक साल में आप ऑलमोस्ट 10 लाख एक ही तरह के पौधे बना सकते हैं, और उन सब पौधों को आप फिर से इसी तरह का एक ट्यूबर बना सकते हैं जो कि डायरेक्ट फील्ड में लगा के आप जो है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फ्लावर इंडस्ट्री मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, सो ऑन ए इंटरनेशनल स्केल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दिस इज शूट टिप। शूट टिप भी सिर्फ एक ऐसी जगह है प्लांट में जहां पर बिल्कुल वायरस नहीं होते हैं। वायरस के कारण प्रोडक्टिविटी में बहुत ही इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, फ्लावर कलर खराब हो जाते हैं, इन सब के कारण वायरस एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायरस एलिमिनेशन के लिए शूट टिप निकाला जाता है, एंड देन दिस इज अ टेक्निक विच इज नोन एज क्रायोथेरेपी, जिसमें जिसके बाद जो जो सेल्स वायरस इन्फेक्टेड होती हैं सब के सब मर जाती हैं, सब पीले सेल्स मर गए क्योंकि वायरस इन्फेक्टेड हैं।
and only the green cells are live cells. These are then put back in the medium और फिर नए पौधे बन जाते हैं उसमें वो. और आप क्या कर सकते हैं कि सेल के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल. प्लांट सेल्स में आपने पढ़ा होगा सेल वॉल होता है. जैसे सेल वॉल हटाते हैं तो वो प्रोटोप्लास्ट बन जाते हैं. उन प्रोटोप्लास्ट को आप कल्चर कर सकते हैं और नए तरीके से उनको जो है फ्यूज कर सकते हैं. अलग अलग तरीके के प्रोटोप्लास्ट जो है आप फ्यूज कर सकते हैं. ये कहा जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. और इसमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तरीका है कि एक क्लोरोफिल वाला सेल लीजिए. क्लोरोफिल का आप पता कर सकते हैं कि ये हाइब्रिड सेल है, ये सोमैटिक हाइब्रिड है. ये तरीका इस्तेमाल करते हुए बहुत ऑलमोस्ट 2000 वेराइटी सिट्रस के ट्रिप्लॉइड बनाए गए हैं. ट्रिप्लॉइड का क्या फायदा है, उनमें बीज नहीं होते हैं. आप ये खाते हैं संतरे या कीनू खाते हैं, सबसे बड़ी समस्या है बीज अटक जाते हैं. जूस निकालने में भी बीजों का प्रॉब्लम होता है. तो बिना बीजों के वाटरमेलन, बिना बीजों के सिट्रस फ्रूट्स, ये हो गया आपके संतरे कीनू वगैरह, ऑल दीज यू कैन यूज. और यू कैन व्हाट यू कैन डू इज आइसोलेट द एग एंड द स्पर्म्स एंड फ्यूज देम और नए तरीके के पौधे बना सकते हैं आप. ये एग सेल है, ये सेंट्रल सेल है, ये स्पर्म्स हैं प्लांट्स के. इनको फ्यूज करके नई तरीके के और नए लेवल के प्लांट्स बना सकते हैं आप. राइस में बना सकते हैं, मेज में भी बना सकते हैं और कई तरीके के प्लांट्स में भी एस्टेब्लिश हो रहा है. या आप ये मेथड इनविट्रो कंजर्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पर आप प्लांट्स पेड़ पौधों को बचाने के लिए आप यूज कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ लिमिटेड मटीरियल, कम मटीरियल, कम जगह में बहुत सारे मटीरियल आप स्टोर कर सकते हैं. और वही जर्म प्लाज्म एक्सचेंज में काम आता है. सरल मटीरियल एक देश से दूसरे देश को आप भेज सकते हैं. ये फिसल प्लांट कहलाता है. ये जो है खास के अगर कोई इंसेक्ट यहाँ बैठ जाए एकदम फिसल के अंदर गिर जाता है और ये ढक्कन बंद हो जाता है. दिस इज नोन एज ए फिसल प्लांट. एंड जब इंसेक्ट जो है डाइजेस्ट हो जाता है फिर ढक्कन खुल जाता है नए इंसेक्ट को पकड़ने के लिए. द लेटेस्ट जेनेटिक इंजीनियर इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, जिसमें एक प्लाज्मिड होता है जिसको कहते हैं टीआई प्लाज्मिड. ये डीएनए है, जब प्लांट को इन्फेक्ट करता है ये टीडीएनए उसमें ट्रांसफर कर देता है. इसके जरिए इनफैक्ट साइंटिस्ट हैव यूज्ड दिस, ये टीडीएनए तो बैक्टीरिया का है लेकिन इस टीडीएनए में आपको जिस तरह का जीन चाहिए आप डाल सकते हैं और वो प्लांट में जाके नए तरीके के प्लांट बन जाते हैं. या आप पार्टिकल गन कहलाता है, जहां पर जीन्स यहां रखे जाते हैं और हीलियम प्रेशर से गन मारा जाता है एंड टिश्यू यहां रखे होते हैं एंड वो इन्फेक्ट हो जाती हैं और नई तरीके के टिश्यू बनते हैं. और ये जीएम क्रॉप, जीएम के थ्रू ह्यूमन इंसुलिन, आज के डेट में ह्यूमन इंसुलिन जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, फर्मेंटस के अंदर, और वो भी मोस्टली फिज इंसुलिन ही मिलता है. एंड देन चीज के एंजाइम्स बनाए गए हैं और फ्लेवर टोमेटोज बनाए गए हैं. टोमेटो जनरली सड़ जाती हैं बट नए जीन डालने के कारण 7-8 दिन बिना सड़े रहती हैं. या आप एक बीटी टॉक्सिन के है, बीटी जीन, क्राई जीन्स कहते हैं, जिनके ना ये है जनरली जो पीछे देख रहे हैं फूल आए हैं इनमें नहीं आए हैं क्योंकि इन सब में कीड़ा लग गया है, ये खा गए हैं. नए बीटी जीन डालने से वो कीड़ा नहीं खाता है और सबके सब जो है फिर से. इनफैक्ट इसके कारण इंडिया में सुसाइड का रेट फार्मर्स में बहुत कम हो गया है. एंड देन वी हैव गोल्डन राइस. आप लोग जानते हैं अच्छी तरह की विटामिन ए कम होने के कारण रात को कई लोगों को नहीं दिखाई देता, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं. ओके, सो नया राइस बनाया गोल्डन राइस. इस गोल्डन राइस को जो है मॉडिफाई किया गया है तीन जीन डाल के बनाया गया है और इसके कारण जो है उसमें बीटा कैरोटीन बनने लग जाता है और अगले साल से ये कमर्शलाइज हो जाएगा. और जैसे मैंने बताया ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया है और इसी तरह से जो है बाकी जीन्स भी, जैसे राइस जीनोम में 430 मिलियन बेसेस हैं, एरोबडोप्सिस जीन में प्लांट में 130 मिलियन बेसेस हैं. वैक्सीन्स हैव बीन ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिस्कवरी. एंड देन स्टेम सेल्स, जस्ट रिमेम्बर दिस स्टेम सेल्स, दीज सेल्स कैन बी obtained from embryonic stages or just developing zygotes, and these are undifferentiated cells and can be cultured to develop into neural cells, cardiac cells, muscles or blood cells.
So almost stem cells can intervene almost in 20 diseases for which no cure is found as yet. These are embryonic stem cells which I just told you, and this is how the stem cells are formed. Ultimately ye stem cells hai jo define nahi hoti hain, ye second stage cells hai, and ultimately they divided to form the differentiated cells. Then finally RNA interference, RNAi, just remember RNAi, this is going to be the technology of future, and iske basis pe most of the jo diseases hain, Alzheimer diseases और पार्किंसंस डिजीजेस और बहुत सारे डिजीजेस हैं विच आर गोइंग टू बी क्योर यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस. थैंक यू.